नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद और मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट उपचुनाव सीटों में से एक खींवसर और देवली उनियारा। इन सीटों पर होने वाला चुनाव किसी बड़े मुकाबले से कम नहीं होने वाला है कि क्योंकि यहाँ पर कई धुरंधर जमीन पर उतर चुके हैं। क्या हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट मिलकर राजनीति में कोई नया खेल खेलने वाले हैं? आइए जानते हैं इस दिलचस्प राजनीतिक समीकरण को और जानते हैं कि क्या पूरा मामला है इस समय जो है देवली उनियारा और खींवसर विधानसभा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन सीटों में से खींवसर और देवली उनियारा सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहां हनुमान बेनीवाल के RLP और सचिन पायलट की कांग्रेस एक अहम रोल निभाती है। इसमें इन दोनों की भूमिका बहुत अहम होने वाली है और दोनों एक मंझे हुए बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी पहले से ही इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस और जो है RLP अभी टिकट तय करने में लगे हैं। सवाल यह है कि क्या ये दोनों दल एक साथ आकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग ताल ठोकेंगे और अलग अलग ही अपनी जीत का फैसला करेंगे कि किस तरीके से जनता को लुभाया जाए और वोट अपने पल्ले में लाया जाए। अब बात करते हैं खींवसर विधानसभा की। दोस्तों, यहाँ की जनता ने कुछ साल पहले हनुमान बेनीवाल को सांसद बना दिया था, सांसद के रूप में चुन लिया था। उसके बाद उनके भाई ने यहाँ उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन इस बार स्थिति और भी रोचक है। इस बार मामला और भी गंभीर हो सकता है, पेच फंस भी सकता है और नैया पार भी हो सकती है। इस बार हनुमान बेनीवाल फिर से चर्चा में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बेनीवाल इस बार अपने भाई या पत्नी को टिकट दे सकते हैं या फिर किसी दमदार नेता को मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं आए, वो सांसद बन चुके, तो यहाँ पेच फंस सकता है। लेकिन बीजेपी भी यहाँ पूरी तैयारी में है और इस बार उनके उम्मीदवार रेवंत राम को उतारा गया है। पिछली बार के मुकाबले महज 2059 वोटों का अंतर था। ऐसे में क्या बेनीवाल फिर से जीत का परचम लहरा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया और धरातल पर भी चल रहा है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर। क्या सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन होगा? दोनों ही नेता अपने अपने तरीके से बीजेपी को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से एक साथ मिलकर एकजुट होकर बीजेपी को हराया जाए। सचिन पायलट के लिए चुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, बल्कि कांग्रेस के भीतर उनकी स्थिति को मजबूत करने का मौका भी है। उनको अपनी ताकत दिखाने का मौका है कि किस तरीके से पायलट को ऐसे ही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस का सिरमौर कहा जाता है। अगर पायलट और बेनीवाल का गठबंधन होता है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बेनीवाल ने साफ कहा है कि अगर उन्हें खींवसर और देवली उनियारा सीट नहीं दी गई तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि उनको खींवसर और देवली उनियारा की सीट चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का खेल भी बिगड़ सकता है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं बेनीवाल के बड़े प्लान की। बेनीवाल ने साफ कह दिया है कि बीजेपी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। चाहे जितने भी जहर के घूंट पीने पड़े, लेकिन वो बीजेपी को हराने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें 2 सीटें नहीं देगी तो RLP अपनी 4 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी, पर बीजेपी को वो धूल चटा कर रहेगी। अब सोचिए, अगर बेनीवाल अकेले लड़ते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। किस तरीके से परेशानी बढ़ेगी इसको भी समझते हैं, क्योंकि खींवसर और देवली उनियारा में बेनीवाल का वर्चस्व है। वहां की जनता उनको बहुत सपोर्ट करती है वहां पर। अब सवाल यह है कि जनता किसके साथ है? खींवसर की जनता का कहना है कि चाहे गठबंधन हो या ना हो, बेनीवाल के नाम पर जीत पक्की है। बेनीवाल का वहां सिक्का चलता है, वहां उनका नाम ही काफी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बार बेनीवाल को हराने के मूड में है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो या बीजेपी के, पर उनका कहना है कि उनको किसी भी पार्टी के साथ जाए पर बेनीवाल को हराना है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस मुद्दे पर? क्या हनुमान बेनीवाल अकेले दम पर जीत सकेंगे या फिर उन्हें सचिन पायलट के साथ गठबंधन करना पड़ेगा? आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखते रहिए संवाद, भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए michimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।